चैनल दीक्षा श्रीवास्तव में। मैं हूँ दीक्षा। आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आई होप सो कि आप भी एकदम मस्त होंगे। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो थंबनेल पढ़ के तो मतलब समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ में है। तो आज का वीडियो जो है वो है व्हाट्स इन माई बैग। सो मेरे बैग में क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर 1 घंटे या 2 घंटे के लिए भी मार्केट जा रही हूँ या कहीं बाहर जा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मेरे बैग में होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बैग मतलब ये बैग दिखाने का ये पर्पज़ है कि अगर आप 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए या 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ही। तो जो आपके सबसे बैग पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके बैग में होनी ही होनी चाहिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहला सैनिटाइज़र। मतलब जो ये इस टाइम 2-3 साल से काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है वो ये सैनिटाइज़र है। आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो आप उसे रख सकते हैं, लेकिन इसको रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और सेकंड चीज़ इसी के साथ मास्क, क्योंकि ये ना मतलब ये तो आपको काफ़ी ज़्यादा रखनी है, मतलब जैसे 5-6-7 तो उस टाइप से आपको अपने पास रखने हैं अगर आप घूमने जा रहे हैं, क्योंकि ये खो भी बहुत जल्दी जाता है। इसलिए आप ये दोनों चीज़ें आपको अपने साथ एंड रखनी ही सेकेंड रखनी। जो चीज़ है वो है, अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ आपका फ़ोन तो जाएगा ही जाएगा, तो फ़ोन से रिलेटेड आपका चार्जर और आपके ईयरफोन आपके पास होने चाहिए। चार्जर तो मेरा मेरे पास है, लेकिन मेरे ईयरफोन का काम डुगू ने बहुत अच्छे से तमाम कर दिया, इसलिए मेरे पास ईयरफोन नहीं है। आपके पास हो तो आप अपने बैग में ज़रूर रख लीजिएगा। और चार्जर, ये दो चीज़ आपको नहीं भूलनी एंड है, रखनी थर्ड है। चीज़ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, सीज़र, छोटू सा सीज़र, एंड ये थ्रेड और ये जो सुई होती है, सुई बोलते हैं इसको, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे तो ज़रूरत पड़ती है। इन आपको भी सारी पड़ती चीज़ों के बाद जो चीज़ आती है वो ही आपका फेस वॉश। आपके पास आपका फेस वॉश होना चाहिए, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं। मैं ममार्थ का कोको फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ इस टाइम पे। सो मेरे पर्स में ये चीज़ होनी चाहिए, तो मैं इसको अपने पास रखती हूँ। एंड उसके बाद आप इसको रखने के बाद आप रख सकते हैं अपनी सनस्क्रीन जो आप यूज़ करते हो। ये अयूर की सनस्क्रीन है हर्बल, तो मैं ये रखती हूँ आपके पास और जो हो। उसके आप बाद फिर आप डियो, आपका डियो आपके पास होना चाहिए, आपके पर्स में होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये डियो ना मतलब खुद पे यूज़ करने से ज़्यादा यूज़ कब आता है पता है? कभी कहीं पे जा रहे हो आप, कहीं पे बैठे हो आप, वहाँ पे अजीब तरीके की स्मेल से, तो आप इसको स्प्रे करके काफ़ी अच्छा फील कर सकते हो। और दूसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है छोटू सा, बहुत छोटू सा आपका परफ्यूम, जो बॉडी परफ्यूम है। ये बहुत छोटू सा है, मतलब इसको कैरी करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये मैं इसमें रख करके इसको कैरी करती हूँ और काफ़ी अच्छा है ये, इस फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी है। सो आप अपनी पसंद का एक डियो और एक परफ्यूम अब आगे अपने बढ़ते पर्स हैं में फेस मेकअप की मेकअप की तरफ। तरफ। सो आपका जो फेस मेकअप है उस पर मतलब आप जो रेगुलर बेस पे क्रीम वगैरह जो भी यूज़ करते हो, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ लोटस हर्बल वाइट ग्लो, ये क्रीम यूज़ करती हूँ, या तो फिर ये हिमालय नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम, ये दो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं इन दोनों क्रीम में से कोई उसके एक बाद क्रीम आप या अपना अपना प्राइमर जो आप यूज़ करते हो, मैं NYB का प्राइमर यूज़ करती हूँ, बहुत छोटा सा है, मैंने इसको बहुत छोटा सा मंगाया है, जेनी के पर्पज़ से ही मंगाया है मैंने, तो ये आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है ये, मैं इसको यूज़ भी कर रही हूँ, बहुत अच्छा है, आप चाहो तो इसे मंगा सकते हो। और पता है सबसे प्लस पॉइंट, ये बहुत रीजनेबल प्राइस में भी है, उसके आप इसे पास होने मंगा चाहिए सकते हो। आपके आपका पास एक फेस सीरम, मेरे पास है गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड ई फेस सीरम, आपके पास जो हो आपको अपने पर्स में रखना है। मैं कोई स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो आपके बैग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। मतलब आप ये मत समझना कि मैं आपको किसी प्रोडक्ट के स्पेशली प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। सो उसके बाद आता है कंसीलर, मेरे पास है NYB का कंसीलर, मैं इसको यूज़ करती हूँ। आपका जो आपके पास जो हो आप उसको अपने पर्स में रखिए, ज़रूरी है, मतलब कि अगर आप 10 दिन 8 दिन 6 दिन 5 दिन के लिए जा रहे हैं और आपको मेकअप करना ही करना पड़ेगा तो आपको ये रखना पड़ेगा। और अगर स्पेशली आप मैरिड हैं तब तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैरिड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, या अपना आप जिस हिसाब से मेकअप करते हैं उस हिसाब से इसको रखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का रख सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन के बिना मतलब मेकअप तो करना है ना, अगर कभी हैवी मेकअप करना पड़ गया तो फिर हमारे पास फाउंडेशन नहीं हुआ, तो फाउंडेशन होना ही होना चाहिए आपके पास, आपके बैग में ये भी होना चाहिए। अब उन सबके बाद आता है कॉम्पैक्ट।
सो मैं ये फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, मेबेलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। आपको आप जो जो भी कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं आपके पर्स में होना चाहिए, और ये काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, देख सकते हैं आप, मैंने इसका शीशा वीशा सब तोड़ दिया है। ये उसके मेरे बाद पास आता है हाइलाइटर। आपके पास हाइलाइटर भी होना चाहिए, छोटू सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, आपके पास में इजिली कैरी हो जाएगा। ये है ग्लैम 21 का हाइलाइटर, काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको मैं बहुत यूज़ भी कर रही हूँ इसलिए ये साफ हो चुका है। आप अपने पर्स में हाइलाइटर भी रख सकते हैं, अगर आपके पास इससे छोटा भी हो तो और अच्छी बात है, इसको भी रखना मतलब ज़रूरी है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, लिप बाम। आपके पास आपका लिप बाम होना चाहिए, जो भी लिप बाम आप यूज़ करते हैं, क्योंकि ना अगर आप मेकअप कर चुके हैं, मेकअप अपना हटा चुके हैं, उसके बाद लिपस्टिक हटाने के बाद स्पेशली आपको लिप बाम ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर लिपस्टिक का कोई भी माइनर सा भी साइड इफेक्ट हो, फट रहा हो, या जो भी लिप्स पे प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये लिप बाम सही कर देता है, ठीक कर देता है। इसलिए आपके पास एक लिप बाम भी होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों की ना आदत होती है थोड़ी थोड़ी देर में ना लिप बाम यूज़ करने की, तो उनके लिए ये लिप बाम भी अच्छा है, हिमालय का लिप बाम उसके है। बाद आते हैं आई से रिलेटेड मेकअप। तो सबसे पहले ना आपके पास ये आईब्रो फिलर आपकी होनी चाहिए, आप जो भी यूज़ करते हो, या वो जो पाउडर वाला आता है अगर आप वो यूज़ करते हो तो आप वो रख सकते हो। वैसे ना ये पेंसिल वाला मेरे ख्याल से अच्छा होता है, क्योंकि आप इसको कहीं पे भी बॉक्स ऐसे है रख ना सकते ये, हो। इसमें मुझे जो ब्रश होते हैं ना वो सारे मिले थे, सो मैं इसमें कई चीज़ें रखी हूँ, ब्रश के अलावा भी देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इसमें मैंने लाइनर रखा हुआ है, लाइनर लैक्मी का लाइनर है, क्योंकि ना कभी होता है कि अगर आप ऐसी पर्स में डाल देते हैं तो इधर उधर चीज़ें हो जाती है, फिर आप जब ढूंढने लगते हैं तो आपको नहीं मिलता, तो आप इस ऐसे कोई बॉक्स आपके पास हो उसमें आप इजिली रख सकते हैं। ये लाइनर हो गया, मस्कारा, स्विस ब्यूटी का मस्कारा है, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी आप रखेंगे अपने पर्स में। एंड उसके बाद इसमें सारे ब्रश जितने भी हैं ब्रश, उसको आपको रखना है। एंड सबसे मतलब एक अच्छी सी बात ये है कि मैं ना अपने आईब्रोज को जब फिल करती हूँ तो मैं इस काजल के थ्रू भी फिल कर लेती हूँ। कैसे फिल करती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ब्रश है ना, ये वाले जो ब्रश होते हैं ना, उसको ना ऐसे ले करके और ये ऐसे खोल के, ये यूं यूं करके फिर आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें, ये देखें, इससे भी काफी अच्छा फिल हो जाता है। सो मैं इसको भी अपने साथ रखती हूँ। सो ये सारे ब्रश हो गया, ये ब्रश आपको अपने साथ रखना होगा ऐसे बॉक्स में। ये लाइनर आप अगर चाहें तो ना लिक्विड वाला लाइनर भी रख सकते हैं, लिक्विड वाला लाइनर सबसे अच्छा लाइनर मुझे जो अब तक सबसे अच्छा पसंद आया है वो ये है, लैक्मी का लाइनर, ये बहुत अच्छा है, आप इसको रख सकते हैं। इसका जो ब्रश है ना वो काफ़ी पतला है। उसके बाद आता है मतलब आपका ब्यूटी ब्लशर पैलेट। तो मेरे पास ये देख सकते हैं आप, मैंने तोड़ दिया, मुझसे टूट गया है गलती से गिर के। ये पैलेट भी आपके पास होना चाहिए, आप अगर कभी ऐसा होता है ना कि आपको फटाफट से मेकअप करना है, तो इसमें जो कलर है ना, जो कलर इसमें है ना, मतलब टूटा हुआ है इसलिए मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती, खोल के आप ऐसे देख लें, ये जिसमें जो कलर है ना वो मतलब कभी कभी आप उसके आई बाद शेडो शैडो पे जो प्रोडक्ट आता है वो है बिंदी, आपके पास होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आपको कहीं सडनली पार्टी में जाना पड़ गया तो आपके पास पार्टी के अकॉर्डिंग जैसे बिंदी बिंदी होनी चाहिए, या फिर कभी प्लेन प्लेन आप नॉर्मल प्लेन यूज़ कर रहे हो तो आपके पास प्लेन होनी चाहिए, ये भी आपके पर्स में होना चाहिए। उसके बाद जो आता है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैरिड के लिए, मैरिड गर्ल्स के लिए या वुमेन जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं उनके लिए, ये है सिंदूर। मतलब ये लिक्विड वाला, जो लोग लिक्विड वाला सिंदूर पसंद करते हैं वो ये लिक्विड वाला सिंदूर अपने साथ रख सकते हैं। मैं तो ये रखती हूँ जो मुझे मेरी मम्मी ने दिया था ला करके, सो मैं ये वाला ज़रूर रखती हूँ अपने साथ छोटू सा। आप चाहें तो दोनों में से कोई भी, या तो दोनों जस्ट जो भी आपको ठीक लगे उसके आप बाद उसको रख आता है सकते। पूरा मेकअप डन होने के बाद भी डन ना लगने वाली चीज, ऐसी चीज जो है वो है लिपस्टिक। अगर आप पूरा मेकअप कर लेते हैं और आपने लिपस्टिक नहीं लगाया है तो ऐसा लगता है कि आपका मेकअप अधूरा है। सो आपको अपने पास लिपस्टिक रखनी चाहिए, जो भी जैसा भी आपको जो भी कलर अच्छे लगते हो उस टाइप की लिपस्टिक आपको मैं दिखाती हूँ। NY बिक्री लिपस्टिक है ये,
ये मुझे पर्पल की तरफ से एज अ गिफ्ट रिसीव हुई है, अभी 2 दिन ही हुआ है मुझे ये रिसीव हुई है। मतलब बहुत अच्छी है यार, आप इसको कहीं कहीं भी इजिली कैरी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि तुरंत चढ़ जाने वाली है, काफ़ी अच्छी लिपस्टिक भी है ये, छोटी छोटी सी, देखें आप इस तरह से, कलर भी इसके सारे अच्छे हैं, कुछ डार्क हैं कुछ लाइट हैं, इस टाइप के हैं, आप चाहे तो इसे पर्पल से बाय भी कर सकते हैं। ये इस टाइप की 4 लिपस्टिक मुझे रिसीव हुई है, बहुत अच्छी है, आप इस तरह से छोटू सा है, आप कहीं पे भी ऐसे डाल दें तो अच्छा लगता है ना, मतलब आपका सेफ का सेफ भी रहता है और आपको फटाफट से मिल भी जाता है। और अगर आप लिक्विड वाली लिपस्टिक जो होती है, अगर आप वो यूज करना चाहते हैं तो आपके पास वो भी होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके छोटे बड़े क्लच और आपका रबर बैंड, मतलब आपके आता पास है रबर आपकी बैंड। हेयर क्लिप्स, मतलब आपके पास हेयर क्लिप्स होने चाहिए, जुड़ा बनाने वाली जो पिन आती है ना वो होने चाहिए, वो भी मेरे पास है, लेकिन बहुत सारे इधर उधर ऐसे फैले हुए हैं तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ बता दे रही हूँ कि बारी आपके आपकी पास। कॉम की, आपके पास कॉम होनी चाहिए। क्या होता है ना कि जब हम सफर करते हैं तो हमारे बाल काफी उलझ से जाते हैं, तो उसको ना सीधा करने के लिए हमारे पास ये वाली जो कॉम आती है ना, इस कॉम से अगर आप हेयर सीरम लगा करके या नहीं भी लगाते हो और आप इस कॉम से अपने बाल को सुलझाते हो तो काफी इजिली आपके बाल सारे सुलझ जाते हैं। उसके बाद ये वाली कॉम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी कॉम से प्लेन बाल जो होता है वो इससे नहीं होता, मतलब नहीं हो पाता है क्लियर, इस कॉम से ही होता है, तो आपके पास इस तरह की आपके भी पास होनी कॉम चाहिए वही। आपका हेयर सीरम। ये मेरे पास मैट्रिक्स का है, ऑप्टिक हेयर, क्योंकि मैंने ना बाल को स्ट्रेट करवाया था तो मुझे ये वाला सजेस्ट किया गया था पार्लर की तरफ से, तो मेरे पास ये है, और ये मेरे शादी का ही है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी सच बताऊंगी, ये मेरी शादी का ही है यार, इतना कौन हेयर सीरम यूज करता है यार, वो भी इतना बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा है तो कौन और यूज करता अब है। एक बारी बार आती नेल है पेंट्स हमारे की, नेल पेंट्स की बारी आती है, तो सबसे पहले हमारे पास नेल रिमूवर होना चाहिए, सो मैं ये वाला नेल रिमूवर यूज करती हूँ, वो जो कॉटन वाला आता है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उससे ना साफ नहीं होता अच्छे से, तो ये वाला काफी अच्छा होता है, थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि ये कांच की बोतल होती है, तो उसको लेके इधर उधर कैरी करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको अपने साथ रखती हूँ, आपको जो अच्छा लगता हो आप रख सकते हो, इससे मतलब बहुत इजीली रिमूव हो जाता है, मतलब ये देख सकते हैं मैंने आज ही लगाई है ये, आप इसमें ऐसे फिंगर को डिप करेंगे और ये देखिए आपकी नेल पेंट साफ, ये काफी इजी होता है और दुनिया चाहती है कि सारा काम इजी इजली हो जाए, मतलब किसी में मेहनत ना करनी पड़े, सो आप इसको रख सकते हैं अपने साथ। और कुछ नेल पेंट जो आपकी फेवरेट है, जैसे रेड कलर, अगर आपको रेड कलर पसंद है, पिंक कलर पसंद है, कोई जो भी कलर आपको पसंद है, उस तरह से कुछ आपके पास नेल पेंट्स होनी चाहिए, आपके पास ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक दो काफी होता है, क्योंकि एक बार अगर आप अच्छी नेल पेंट्स लगा लेते हो तो कुछ दिन तो चलती ही है, मतलब इस टाइप की कुछ नेल अभी पेंट्स चलती भी, है कुछ लोग आपकी क्या बात। करते हैं ना ये फिंगर की हेल्प से मेकअप को काफी टैप टैप करके अपने मेकअप को सेट कर लेते हैं, तो उनको नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को इस सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो ये तो होना ही उसके बाद चाहिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है बैंगल्स, मुझे बैंगल्स का बहुत शौक है, मैं तो रखती हूँ कई कई तरह के कड़े मैं अपने साथ रखती हूँ अपने पर्स में, लेकिन मुझे कप मेरी कॉइन्स। फेवरेट चीज ये क्लिप्स, मतलब आप इस तरह की जो क्लिप्स नहीं आती हैं, कुछ सुंदर सुंदर सी आती हैं, मतलब मार्केट में तो अब मिल जाता है हर जगह ये मिलती है, कभी कभी आपने बाल खोल रखा है और फिर साइड में यूं बाल करके आप इस क्लिप्स को ऐसे टैग कर सकते हो, तो इस टाइप के भी कुछ क्लिप्स उसके होने बाद चाहिए। आएगा सेफ्टी पिन, मतलब सेफ्टी पिन तो बहुत ज्यादा जरूरत है यार, आप हम लोगों के लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है काफी ज्यादा, आप आपके पास छोटी बड़ी हर तरह की सेफ्टी पिन होनी चाहिए, इस तरह के बॉक्स में मिलती है, सबको पता होगा मिलती है, तो इस तरह की सेफ्टी पिन भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद क्या है ना कि अगर आपको आईलैशेस का शौक है तो आपके पास इस तरह के कुछ आईलैशेस भी होने चाहिए, इसका जो व्हाइट वाला ग्लू आता है ना वो अच्छा होता है, उससे वो जो इजिली कि मेरे चिपक पास जाता है। है, ब्लू हेवन का आपके पास जो भी आपके पास हो आप उसको रख सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप स्किप कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, अगर फिर इसका है तो मेकअप आप डन भी। होने के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका मेकअप फिक्सर, ये भी आपके पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास है ब्लू हेवन का, आपके पास जो भी आपके पास हो आप उसको रख सकते हैं, अगर नहीं भी है तो भी आप स्किप कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं है, अगर है तो आप अपने पास रख उसके सकते बाद हैं। आपके पास में एक लोशन होना चाहिए, बॉडी लोशन होना चाहिए, मेरे पास नीविया का बॉडी मिल्क है, आपके पास जो भी हो, आप छोटा, मेरे पास बड़ा है, मेरा छोटा खत्म हो गया है इसलिए मैं आपको बड़ा दिखा दे रही हूँ, आप इसको छोटा ही आपने रखिए पर्स कभी में, क्योंकि इतना आप जर्नी कर रहे हैं आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आपके पास ये विक्स होना चाहिए, ये इनहेलर अगर आपको कोल्ड है तो भी आपके पास होना चाहिए, या फिर कभी ऐसा होता है ना एक शहर से हम दूसरे शहर में जा रहे हैं और वेदर चेंज हो रहा है, तो आपके पास ये चीजें भी होनी चाहिए, क्योंकि ना
जरूरी होती हैं। और एक चीज और होनी चाहिए जो कि है कि अगर आपके पास कोई पेन किलर मतलब होना चाहिए, अगर आपके पास आपके सर में दर्द है या फिर कहीं भी अचानक से दर्द हो गया, जो पेन किलर आपको सूट करती है ना। इतने सारे प्रोडक्ट देख के लग रहा होगा कि प्रोडक्ट शायद बहुत ज्यादा हो गए हैं, इसको पर्स में कैसे कैसे कैरी करते हैं, कैसे रखते हैं। सो मतलब इतनी दिक्कत नहीं होती। जैसे कि ये इस टाइप के कुछ बॉक्स होते हैं ना, तो इस टाइप के बॉक्स में जैसे आप अपने सामान रख सकते हैं। ये मैं इसका एक वीडियो अलग से बना दूंगी ऑर्गेनाइजेशन का कि कैसे हम रखते हैं। लेकिन हाँ मतलब इसको ऐसे ही पर्स में नहीं डाल देना है, आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्सेस में करके रखेंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। जैसे कि कल इस टाइप के बॉक्स में हम अपने थिनर नेल पेंट्स वगैरह इसमें रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रश ब्रश वाला बॉक्स है उसमें आप रख सकते हैं अपने लाइनर लिपस्टिक कुछ, उसमें आराम से कैरी कर सकते हैं। ज्वेलरी के लिए आपके पास कुछ इस तरह के कोई छोटे छोटे बॉक्स आपके पास अगर हो घर में, तो आप उसमें अगर अपनी ज्वेलरी को रखते हैं, तो जैसे इस टाइप की कोई ज्वेलरी अगर आप रखते हैं तो इसके ना जो मिरर जो कांच होते हैं नग होते हैं ना, वो हटते नहीं है, वो सेफली इसमें रखे रहते हैं। तो इस टाइप का कोई आपके पास ऐसा बॉक्स होना चाहिए। एक चीज़ तो मतलब बताना ही भूल गई कि आपके पास भी होना चाहिए, जो कि मेरा भी फेवरेट है यार, काजल। काजल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होना ही होना चाहिए। मैं बार बार उधर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मेरा डुगू जो है ना वो जग के बैठ गया और वो बैठ के सीधा मुझे देख रहा है। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं। हाँ तो आपके पास ये जो काजल है ना होना चाहिए, ये स्विस ब्यूटी का काजल है, बहुत अच्छा है। उसके बाद सबसे लास्ट प्रोडक्ट जो है वो है वाइप्स। हाँ आप सोच रहे होंगे मैं ये वाइप्स क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये वाइप्स जो जो है वो मुझे भी काम आ जाता है और डुगू को भी काम आ जाता है, क्योंकि ये बेबी वाइप्स है। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो होते होते ये उठ के आ चुके हैं और ये दूर से चिल्ला रहे थे कि इनको भी मेरे वीडियो में आना है। ये भी आपके साथ, ये आपको हेलो कर रहा है, हेलो कर लो, हेलो। सो अब कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, और कोई प्रोडक्ट बचा भी नहीं, बस इतने सारे प्रोडक्ट आपके पास में होने चाहिए। अगर आप 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, ये सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी मतलब थोड़ा भी अगर यूजफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अच्छा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय कर दो। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय। फिर मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।